हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई सुबह वाले एपिसोड आप लोगों ने देखा था कि हमें एक पेंटिंग मिली थी अकबर जी की, उसमें ही भाई हमारा फोन होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था और मैंने लास्ट में आकर कार को ब्लास्ट कर दिया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा किंग का नुकसान कर दूंगा, बट भाई नुकसान तो मेरा भी होगा, पर कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम और भी निकाल लेंगे। हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिस्टम है, टेरी है, निकी है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो हम कर ही लेंगे। अगर ना भी कर पाए तो जिन कब काम आएगा उससे कुछ अपनी हेल्प ले लेंगे। अभी भी दो विश मेरी बची हुई है, सब कुछ हम बैलेंस में कर देंगे। बट फिलहाल तो अभी मेरे को टेरी ने बोल के रखा है कि ट्रेवर भाई फिलहाल शहर में मत घूमना, अगर घूमोगे तो मास्क लगा के घूमना, क्योंकि आपको पूरे शहर की पुलिस और मिलिट्री ढूंढ रही है, कभी भी आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आपके ऊपर तो अभी किडनैपिंग का केस लग चुका है। और अगर एक बार उनका बॉडी मिल गई प्रेजिडेंट की, तो फिर तो मर्डर केस भी लग जाएगा, वो भी प्रेजिडेंट का। और आपको पता, आपकी बार तो प्रेजिडेंट मर ही चुके हैं और उनका केस मेरे ऊपर लगने वाला है, क्योंकि किंग तो भाई हर जगह यही इंटरव्यू दे रहा है कि ट्रेवर ने उनको किडनैप करा है, मेरे आदमी ने मेरे को पक्की खबर दे के रखी है। तो भाई थोड़ा सा इसलिए अभी छुप करके रहना पड़ेगा। टेरी बोल रहा है टेर भाई टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और पेंटिंग के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि आखिर क्या वो पेंटिंग थी, सारी बातें क्या डील करी थी, वो भी मेरे को बता देगा। तो भाई टेरी वैसे कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेगा, मेरे को ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अभी मेरे पास निकी का भी फोन आया था, निकी मेरे को बोल रही है कि ट्रेवर मेरे को छोटे भाई की लोकेशन, जो किंग का छोटा भाई है, उसकी लोकेशन मिली थी थोड़ी देर पहले बीच पे, तो एक बार तुम जा करके चेक कर लो, क्या पता उसका छोटा भाई अभी बीच पर ही हो। एक बार अगर तुमने उसको पकड़ लिया ना, तो फिर तो आराम से दोनों के दोनों भाई को हम आराम से मार सकते हैं, और पुलिस को तुम कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, और वैसे भी डमरू जी की आत्मा को बुला लेंगे ना, वही बोल देंगे सीधा का सीधा कि मेरा मर्डर भाई ट्रेवर ने नहीं किया, क्या तुम इसके पीछे पड़े हो। बट यार सभी के सामने मैं आत्मा को बुलाऊंगा तो बड़ा अजीब हो जाएगा, हमारा सीक्रेट पूरे शहर को पता चल जाएगा। इसलिए यार पहले कुछ और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिला फिर वो लास्ट ऑप्शन में रखेंगे, आत्मा को बुलाने वाला काम वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, उससे पहले कुछ और ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये फटाफट से पहले निकी की बताई जगह पर चलता हूँ, देखते हैं छोटा भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आप चैनल पर तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको ऐड कर दो। अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो का लाइक्स का एम है 20,000, जल्दी से आकर पूरा करा दो। अगर आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर उसे चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जीटी की वीडियो डालता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला है। भाई मैं निकी की बताई जगह पहुंच चुका हूं, निकी ने मेरे को इसी जगह के बारे में बताया था, बट भाई मैंने अभी तक किंग के भाई को नहीं देखा। मेरे को पता कैसे चलेगा इन सभी बंदों में से किंग का भाई कौन है, अगर वो यहाँ पे हुआ तब भी मैं उसको नहीं पहचान पाऊंगा। और निकी ने मेरे को फोटो भी नहीं भेजा, और निकी को भी नहीं पता भाई कि किंग का भाई दिखता कैसा है, इसलिए तो गड़बड़ अभी ये हो गई है। अभी कैसे उसको ढूंढ के निकालू, एक काम करते हैं, जो बंदा मेरे को देख के भागा वही किंग का भाई है। देखता हूँ भाई कौन सा बंदा मेरे को देख के यहाँ पे डर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वही किंग का भाई है। बट अभी तो फिलहाल मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई भागने की कोशिश करेगा, वैसे चालाक बहुत है किंग का भाई भी, उसको भी पता होगा कि ट्रेवर ने मेरे को आज तक कभी देखा नहीं, तो मेरे को डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई सब जी बेटे लैम्बोर्गिनी कहाँ है? अरे जिमी को देखो यहाँ पे खड़ा होकर ताली बजाने में लगा, बट जिमी यहाँ पे आया क्यों? हाँ भाई मैंने एक बात नोट ही नहीं करी, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी है, नहीं तो इतने ज्यादा बंदे यहाँ पे होते नहीं है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जी बेटे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे को जल्दी से बता, बहुत मारूंगा, लैम्बोर्गिनी ले ली देखो तो सही। भाई जी मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर अंकल यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई है, वो पिक्चरों में काम करती है, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं उसको देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वाह मेरे प्यारे जिमी, गाड़ी कहाँ है तेरी? कमाल है, कहाँ पे खड़ी करके आ गए? शायद से पार्किंग में भाई खड़ी करके आया होगा ये, क्योंकि हम तो सीधा ही लेकर आ गए, यहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है, बट भाई हम तो हर जगह लेकर के आए थे कार्स को। चलो भाई हम भी देखते हैं कौन सी वाली सेलिब्रिटी भाई यहाँ पे आके रखे, जिसकी वजह से इतने सारे बंदे यहाँ पे आए और फोटोज खींचने में लगे हुए हैं, मैं भी तो देखूँ जरा। हेलो मैडम जी, कौन हो आप? तो ये है भाई वो सेलिब्रिटी जिसके चक्कर में इतने सारे की सारी भीड़ लगी हुई है, ये आई है आज बीच घूमने के लिए और अपने दो दो गार्ड्स के साथ, और कितने सारे कैमरा वाले बंदे, सारे के सारे न्यूज वाले बंदे होंगे, इनको तो भाई खबर मिल गई आज के लिए, तो ये तो इतने सारे फोटोज खींचने लगे, खींचो भाई मेरे प्यारे भाई फोटो खींचो। तो यार यहाँ पे किंग का भाई, सारे बंदे यहाँ पे आराम से खड़े हुए, कोई भी बंदा भागने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी मेरे को पता कैसे चलेगा किंग का भाई कौन है इनमें से, अभी बहुत मुश्किल है भाई यहाँ से पता लगाना। एक बार निकी को फोन करके बोलता हूँ कि निकी जी जहाँ पे तुमने मेरे को भेजा है ना, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई है, क्या पता किंग का भाई भी इसी को देखने के लिए आओ, ऐसा हो सकता है। बट फिलहाल से यहाँ पे यार कोई भी बंदा नहीं है, किसके ऊपर शक करूँ, बिना फोटो के पहचानना बहुत मुश्किल है। जी बेटे क्या हाल चाल है, पास से जाकर के देख ले, इतने दूर क्यों खड़ा हुआ है? भाई निकी से मेरी बात हो चुकी है, निकी बोल रही है कि शायद से ट्रेवर वहां से वो निकल गया, मैं चेक कर रही हूँ वहाँ कैमराज को, मेरे को लगते नहीं यहाँ पे कोई किंग का भाई है। क्या निकी मेरे को थकाने में लगी हुई है। भाई अभी मेरे पास टेरी का भी फोन आया, टेरी ने मेरे को बोला कि ट्रेवर भाई आप एक काम करो, अभी हम थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, हमारी पावर्स भी थोड़ी कम है, हमें कोई सपोर्ट करने वाला बंदा नहीं है, तो अभी शहर में हमारा एक बहुत ही खतरनाक बंदा आके रखा है। मैंने उस बंदे की हिस्ट्री चेक करी, उस बंदे ने आते ही हलवा के घर को खरीद लिया है, और उस बंदे का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है, मैंने चेक करा, वो रशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, सबसे ज्यादा पैसे वाला बंदा नंबर वन पे आता है वो रशिया में, जब पैसे के मामले बात होती है कि भाई सबसे अमीर आदमी कौन है रशिया का, वो बंदा सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है, वो बंदा। तो अगर आप उसके पास जाओगे, थोड़ी सी हेल्प मांगोगे या फिर उसके लिए काम करोगे, कुछ भी आप करोगे, अगर उसका सपोर्ट हमें मिल गया ना फिलहाल,
तो हमारी पावर्स बहुत बढ़ जाएगी। टैरी देख लो भाई, अपनी वैल्यू कम करवाने के लिए दूसरे के पास मेरे को भेज रहा है, बोल रहा है दूसरे से जाकर के हेल्प ले लो। अबे टैरी भाई कोई अच्छा सा आइडिया दे लेता, हमारे ट्रैवल की यार बेइज्जती हो जाएगी। हम नहीं चाहते हमारे ट्रैवल की वैल्यू कहीं पे कम हो जाए। बोल रहा है दूसरी गैंग से जाकर के हाथ मिला ले ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हमारा बढ़ जाए। अरे यार ये भी ना कुछ भी मेरे को सलाह देता है, बोल रहा है सबसे अमीर आदमी है रशिया का। ऐसे यार देखने तो मैं जरूर जाऊंगा, कौन बंदा है जो हमारे शहर में आया इतनी दूर से लोस सेंटोस में। फिलहाल ही वो रहने के लिए आया, उसने अभी अभी घर लिया है यहाँ पे, पता नहीं कितने दिन पहले आया होगा वो तो मेरे को नहीं पता। टैरी बाकी मेरे को बात बताएगा और अभी पेंटिंग के बारे में इसको कुछ नहीं पता चल पाया, जैसे ही पता चल जाएगा मेरे को पेंटिंग के बारे में बता देगा। तो अभी भाई मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को फोन करता हूँ, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को बोलता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जल्दी से चिराग को लेकर के आ जाइए अपने गैरेज में, जरा जिनसे मेरे को दो चार बातें करनी है उससे पूछना है कि भाई वो टाइम को पीछे कर सकता है। क्या पता भाई वो टाइम भी पीछे कर दे, मजा आ जाएगा। फिर तो मैं एक विश मांग लूंगा भाई, 10-15 दिन टाइम को पीछे कर दे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। फोन करता हूँ डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को। भाई मैं डॉक्टर स्ट्रॉन्ग चिराग को लेकर के आ चुका है गैरेज में और मैंने जिन को बाहर निकाल लिया है। मैंने इससे पता भी कर लिया कि भाई तुम टाइम को पीछे कर सकते हो। बोल रहा है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, टाइम कैसे पीछे होता है, वक्त कभी नहीं बदल सकता। अरे भाई बदलता है जिन यार, तेरे को नहीं पता, अब टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, हमारे पास एक टाइम मशीन थी, क्या तुम टाइम मशीन बना सकते हो? भाई ये टाइम मशीन भी नहीं बना सकता, ये वाली विश भी, ये मेरी पूरी रहेगी। अरे भाई तू रहने दे बस भाई जिन, तू एक काम कर लैंप में चला जा, मुझे नहीं लगता तू मेरे कुछ काम आने वाला है। अच्छा इससे एक बात और पूछता हूँ भाई, मैंने एक पेंटिंग ब्लास्ट कर दी थी गलती से, क्या वो पेंटिंग ठीक हो सकती है? उसके अंदर एक फोन था यार, उसके अंदर एक वीडियो थी, बहुत जरूरी मेरे को चाहिए, क्या तुम वो वीडियो मेरे को वापस दिला सकते हो? ये भाई मुझसे बोल रहा है कि ट्रेवर भाई गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, पैसा मांगो, ये पता नहीं क्या मांग रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग ये क्या चीज है? अरे भाई जिन तू एडवांस नहीं है यार, इसको स्मार्टफोन दे भाई, कमाल का जी ने यार, काफी पुराना है ना इसलिए यार इसको नई नई चीजों के बारे में नहीं पता। एक काम कर भाई, मैं तेरे को एक स्मार्टफोन दिलवाता हूँ, तू उसको 2-4 दिन चला तो सब समझ जाएगा कि ये टाइम मशीन क्या होती है। फिर क्या पता भाई ये सब कुछ कर सके, ऐसा भी हो सकता है ना, पुराना जीने इसको नहीं पता हो नई चीजों के बारे में। भाई तू पहले इन्फॉर्मेशन ले ले, उसके बाद मैं तेरे से विश मांगूंगा, कमाल का जीने। अरे डॉक्टर भाई इसको बोल चला जा भाई लैंप में, कोई फायदा नहीं तेरे को यहाँ पे बुलाने का। तो भाई हमारा प्यारा जीन जा चुका है, देखो अभी धुआं बंद हो जाएगा धीरे धीरे। मेरे प्यारे डॉक्टर भाई एक स्मार्टफोन ले अच्छा सा, जिसमें सारे फीचर्स हो, और इस मेरे प्यारे जिन को दे देना, ये आराम से लैंप में उसको ले जाके आराम से चलाया करेगा, पूरा दिन सीख जाएगा, बट इसको इंटरनेट कैसे देंगे? चल भाई डॉक्टर तो कुछ ना कुछ सिस्टम कर लेना, बट इसको बता भाई नई चीजों के बारे में, इसको कुछ नहीं पता टाइम मशीन के बारे में, इसको कुछ पता ही नहीं भाई, इसको सब कुछ बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या पता ये सब कुछ हमें करके बता दे। तो भाई मैं निकलता हूँ, डॉक्टर ले जा वापस लैंप को, ये जिन मेरे कुछ नहीं काम आएगा। बोल रहा है गाड़ी ले लो, पैसा ले लो, बंगला ले लो, अरे भाई इनका क्या चार डालेंगे, ये सारी चीजें तो हमारे पास बहुत है, अभी हमारी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो जिन इस काम में मेरी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। भाई अभी मेरे पास फिर से टैरी का फोन आया, टैरी मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर भाई अब तो आपको मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है रशिया का बंदा बहुत काम आ सकता है, इसका नाम है काली भाई। भाई रशिया का बंदा और नाम इंडियन है, तब तो इससे जाकर के मिलना ही पड़ेगा। ट्रेरी बोल रहा है मैंने आपकी मीटिंग भी अरेंज कर दी है, काली भाई आपका वेट कर रहे हैं, जाकर के बात कर लो, अगर आप नहीं गई ना तो उसके बंदे आपको उठाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उसको इंतजार करना पसंद नहीं है। अबे टेरी भाई तू इससे पंगा मत करवा देना, यहाँ पे वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो के रखी है, अभी कहीं नए बंदे से फिर से हम लड़ पड़े हमारी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पहुंचते भाई हलवा के घर पे और काली भाई जी से बात करके आते हो। भाई मैं घर पर पहुंच चुका हूँ अपने प्यारे प्यारे हलवा जी के, अभी फिलहाल तो एक काली भाई का घर है, तो अभी मैं काली भाई का घर इसको बोलूंगा, पहले हलवा घर था अब से इसको काली भाई का घर बोलेंगे। मेरे प्यारे काली भाई आराम से ट्रेयर भाई, इतनी भी जल्दी मत कर, और गार्ड्स बहुत ही सारे यहाँ पे रख लिए हैं, 1, 2, 3, 4 गार्ड्स अच्छे हैं भाई। सही है मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है, बॉस किधर है? भाई मैं काली भाई के पास पहुंचू, गार्ड ने मेरे को बोला है सामने ही खड़े हुए। अरे काली भाई क्या हाल चाल है यार, ये काली भाई तो मेरे को भूत लग रहा है। हेलो हेलो काली भाई, रेड सूट में, अरे भाई ये क्या बंदा है, अरे काली भाई क्या आइटम है यार तुम, ये तो मेरे को भाई भूत लग रहा है, अरे क्या बना के रखा आपने चेहरा, है तो भाई ये मास्क और सिगरेट पीने में लगा हुआ है, अरे कैसा बंदा है यार तू, ये रशिया का सबसे अमीर बंदा और सबसे खतरनाक गैंगस्टर, ऐसे खतरनाक तो लग रहा है, ये बात सच्ची है टेरी, तेरी ये बात मैं मान गया, खतरनाक लग रहा है ये बंदा। काली भाई क्या हाल चाल है, अब तो इस बंदे से थोड़ा दूर रह करके बात करनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते भाई, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं और फिर पूरे शहर पे आराम से राज करेंगे, क्योंकि ट्रेवर बहुत खतरनाक बंदा है, और तुम भाई हमने सुना है फिलहाल देखा तो है नहीं, अगर तुम भी खतरनाक बंदे हो तो बताओ, हाथ मिला लेते हैं फिर पूरे शहर में आतंक मचा के रख देंगे। भाई काली से मैंने बात कर ली है, बंदे का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ है, मेरे को बोल रहा है कि मैं ऐसे ही किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता, मैं हाथ हर किसी से नहीं मिलाया करता, तो तुम्हें पहले प्रूफ ये करना पड़ेगा कि तुम में कुछ काबिलियत है या नहीं है। क्या पता तुम आलतू फालतू बंदे हो और तुमसे आके मैं पार्टनरशिप कर लूं, मुझे अपना नाम खराब नहीं करना।
भाई सब ट्रेवर को अलत फलत बोल रहा है। चाचा ये गोलियां भर भर के मारूंगा, सच में बहुत गोलियां मेरे में, सीधा कर दूंगा। पहले बता रहा हूँ, मैं चाह नहीं रहा आपको पहली मीटिंग में मार दूं। अच्छा बताओ ठीक है, कैसे साबित करूं फिर मैं, बताओ। भाई ये बोल रहा है कि इसका एक बंदा अभी मीटिंग करने के लिए गया था पार्किंग में, बट उसको पैसे नहीं दे रहे सामने वाली पार्टी। फिलहाल मेरा बंदा वहां पे जाकर के फंस चुका है। अगर तुम मेरे बंदे को सही सलामत वापस यहाँ पे लेकर के आ गए तो मैं समझूंगा तुम में दम है, जाओ करके दिखाओ ये सब कुछ। अरे चाचा हमारी हिस्ट्री जान लेते हमसे मिलने से पहले तो ऐसी बात ही नहीं करते, कमाल के बंदे यार। ये काली भी ना मेरे को बेवकूफी लग रहा है, इस काली को भी बाद में देख लेंगे। इसने मेरी हिस्ट्री पता नहीं करी, सोच रहा है मैं दो चार बंदों को नहीं मार पाऊंगा। अबे गैरेज में कुछ बंदे होंगे, ये कैसे फैल गया? अरे कमाल का बंदा, अभी तो यहीं पे घूम रहा था भाई साहब, पता नहीं चलता कौन बंदा कम मर जाता है पड़ा पड़ा ही। एम्बुलेंस वाले आकर के सो चेक भी कर गए। अबे भाई इसको ले करके तो जाते, कमाल के बंदे। अबे गंजे इसको ले करके जाना, वो पड़ा हुआ है बंदा, अभी तेरे को तेरा भाई ये लेकर के जाएगा। चाचा उसको लेकर के चले आओ। अरे भाई मारने के लिए मेरे को, अबे तुम जिंदगी बचाते हो लेते हो, कमाल है। अबे भाई तू क्यों मार रहा है, मेरे को मारना चाहिए, अलग ही बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, यही जगह मेरे को काली ने बोली थी, तो बोल रहा है कि यहीं पे इसका बंदा मीटिंग करने के लिए आया था और बंदे इसको पैसे देने से मना कर रहे हैं। अच्छा भैया हम निकलवाते हैं पैसे, क्यों टेंशन ले रहे थे यार, मैं अपनी कार को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ आराम से। चल मेरे प्यार ड्राइवर भाई वीडियो मेकर निकाल फटाफट से। ये सही है भाई, इस तरह से बंदा उतरा ही नहीं, तो दूसरी साइड से उतरता ज्यादातर और फिर मेरे को घूम के आना पड़ता। अभी निकालता हूँ वीडियो मेकर। आ गई मेरी प्यारी वीडियो मेकर गोली भाई 3000 के आसपास है। चाचा तुम्हें दिखता नहीं है यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई मेरी, चलो चुपचाप बैक करके दूसरे रास्ते से निकल लो। हाथ में गन देख के बंदा डर नहीं रहा, अब टकले निकलने यहाँ से, कमाल है भाई साहब, खंबे में लगा दी। चलो भाई इसको बाद में देख लूंगा, अभी फटाफट से बंदे बहुत ही ज्यादा खड़े हुए सामने मेरे प्यारे भाई। गोली खा लो, गोली बहुत ही ज्यादा आने वाली है। ये ले बेटे, सामने वाले बेटे सारे कदम, ये ले भाई आप भी ले लो। कैसे गाड़ी के पीछे कर लेकर बैठा हुआ, बहुत ही बुरा मारूंगा अगर मैंने छोड़कर यहाँ पे चला दी ना भाई। अंदर से बहुत बंदे आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे मरने वाले हो। बहुत बढ़िया, कैसी लगी? अरे ले ले ये ले बेटे, अरे ले 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 मेरे के मेरा ड्राइवर ने, ड्राइवर बहुत मारता है, सभी को मारता है। ड्राइवर छोड़ता किसको पहले तो ये बताओ तुम। ड्राइवर भाई सच में यार बड़ा ही खतरनाक बंदा है। अरे भाई किसी ने घूसा मारा, अरे पुलिस वाला बंदा यहाँ पे कहाँ से आ गया? अरे चाचा तू कहाँ से आ गया यहाँ पे पिटने के लिए, करप्ट बंदा था क्या कोई? ये ले बैठे, आजा 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 आजा, मजे आए। बहुत बंदे पिटेंगे आज, सारे पिटेंगे, क्योंकि अभी मैं काली भाई के लिए आया हूँ, उसके बंदे को लेने के लिए। कैसे भाई, वाह यहाँ पे लॉस्ट वाला बंदा भी था। अबे शर्म नहीं आती लॉस्ट वाला, तुम तो हर जगह पहुंच जाते हो, तुम्हें कुछ काम ही नहीं है भाई। किसी के साथ भी कुछ दो चार पैसे तुम्हें दे दे, उसी के साथ में तुम काम करना शुरू कर देते हो। चुपचाप खड़ा हो ले, कवर लेके बैठा हुआ बंदा। अरे यार ये ना, अभी मैं एलियन के यहाँ पे चलाना नहीं चाहता, क्योंकि भाई काली भाई का आदमी मर जाएगा और उसको जिंदा लेकर के जाना है। अगर मैं ही उसको मार दूंगा तो क्या फायदा होगा? गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बट अभी ये गाड़ी फटने वाली है। खत्म, आया मजा। ओके भाई अभी चलो अंदर की तरफ निकलता हूँ, देखता हूँ काली भाई का खास बंदा कहाँ पर है जिसको पैसा नहीं मिलने वाला था। हेलो मेरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर फूफा तुम्हारी हेल्प के लिए आए। अरे भाई ये कौन सी वाली कार है? इस रेडवुड कार के चक्कर में मैं बड़ा परेशान हुआ था भाई, मेरे को जाकर के शोरूम में मिली थी और यहाँ पे दो दो खड़ी हुई है। कमाल के बंदे भाई सच में, आज इतनी मिल गई, उस दिन एक भी नहीं मिल रही थी। मेरे प्यारे भाई कहाँ पर है तू? अरे यार अभी इस बंदे को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो कुछ ज्यादा डरपोक बंदा भेजा मीटिंग के लिए। मतलब यार मीटिंग के लिए अच्छे खतरनाक बंदे को भेजा करते हैं, इतने डरपोक बंदे को भेजोगे तो हो गई तुम्हारी मीटिंग। पता नहीं कौन सी कार के पीछे छुप करके बैठ गया। अरे चुपचाप बाहर आ जा भाई, मैं तेरे को मारने के लिए नहीं आया, तेरे को लेने के लिए आया। आजा भाई, बंदा मेरे को मिल चुका है, ये है वो डरपोक। अरे मेरे प्यारे भाई आराम से, कोई बंदा देख लेगा इसने। अरे यार ये बंदे अभी भी आए जा रहे क्या? अरे भाई तू गोली मत लगवा लेना, नहीं तो काली बोलेगा एक काम नहीं हुआ ड्राइवर। अबे मारा नहीं चाचा, आजा 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 आजा। अरे क्या भाई बड़े बड़े गोली चला रहा है, अबे गाड़ी में गोली चला रहा है भाई, आंखें साफ कर कर। आजा आजा इधर से आजा, मैं तेरे को बचा के लेकर जाऊंगा ऐसे, तेरे को कुछ नहीं हो सकता। चलो भाई काली के पास इसको लेकर के चलता हूँ। फिलहाल भाई मैंने इसको बचा लिया है, डील के पैसे वैसे तो पता नहीं इसके पास होंगे नहीं होंगे, तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो पैसे भी इसने उठा ही लिए होंगे, क्योंकि भाई सारे बंदे तो मैंने मार ही दिए हैं, तो डील के पैसे भी इसको ले लेने चाहिए। अभी कुछ बंदे ऊपर वाले जिंदा है। अरे जल्दी आजा भाई, भाई मैं पहुंच चुका हूँ घर पर लेकर के काली भाई के इस खास आदमी को। आजा भाई, तेरे चक्कर में तो चाचा बोल रहे हैं कि जब तक तेरे को बचा के नहीं लाऊंगा तो हम दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब कि देखो तो ड्राइवर पे शक है उस बंदे को। आजा भाई आजा जल्दी से, यार ये बंदा ना बात ही नहीं सुनता, पता नहीं कौन कौन से रास्ते से आता है। तो जब तक मैं पहुंचता हूँ अपने प्यारे काली के पास, देखो काली अभी यहीं पे खड़ा हुआ है। अरे भाई एक दो कुर्सी मंगा ले, तेरे घर में चेयर नहीं है क्या? तू कब तक खड़ा रहेगा ऐसी? मेरे को इतना टाइम लग गया, मैंने बंदों को मारा, इसको बचा के लेकर के आया और अब तक ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। सिगरेट लगता है भाई, दूसरे तीसरे सिगरेट इसने बदल ली होगी। ज्यादा सिगरेट नहीं पीते काली भाई, सेहत खराब हो जाती है। देखो आपका बंदा आ रहा है सामने भाग करके, मिल लो बंदे से, जो आपसे पूछना है पूछ लो। ड्राइवर डरता किसी से नहीं है, मैंने आपको काम कर दिया, अभी बताओ हाथ मिलाओगे?
या नहीं मिलाओगे। ऐसे बंदा पता नहीं भाई, अगर इसने आपकी बार भी ड्रामे करे ना तो गन तो मेरे पास बहुत है, इस काली का भी हैंड करके निकल जाऊंगा। टेरी मेरे को बोलेगा कि ट्रेवर जिससे हाथ मिलाने गया था उसको ही मार कर आ गया। भाई भाई काली मुझसे बोल रहा है ट्रेवर तुम में तो सच में बहुत दम है, और भाई हम मजाक कर रहे थे, अभी फालतू बात छोड़ो, ठीक है अभी हम पार्टनर बन गए ना, बात ही खत्म है। तो भाई अभी काली का मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, मैं अब काली को हर जगह भेजा करूंगा, इसके बंदों का मैं बहुत यूज करूंगा। टेरी मेरे को बोल रहा है इसके पास बहुत सारी गैंग आने लग रही है रशिया से ना, इसने अपनी सारी सारी गैंग को यहाँ पे बुला लिया है। अभी जो यहाँ पे मेरे को इतने से गार्ड दिख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे आगे से मेरे को 300-400 गार्ड दिखे हैं खड़े हुए, तो इसका मतलब भाई बंदा वैसे काम का है, वैसे इससे हाथ मिलाना फायदा होगा अगर ये बंदा हमारे साथ अच्छे तरीके से रहेगा। वैसे भी ठीक है यार, हम अकेले कब तक घूमेंगे, पार्टनर्स बनाने चाहिए, हम कम से कम 4 या 5 पार्टनर्स एक साथ रहेंगे तो हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और मेरा काम बट जाएगा। अब हर जगह मेरे को ही जाना पड़ता है, कम से कम मैं बाकी काम अपने पार्टनर्स को बोल सकता हूँ, बाकी काम वो कर लेंगे। भाई काली मुझसे बोल रहा है कि ट्रेवर मैंने आज बीच पर एक छोटा सा घर लिया है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो मैं तुम्हें उसे गिफ्ट दे देता हूँ, मैं तुमसे बड़ा ही खुश हुआ तुमने मेरे बंदे को बचा लिया, वो भी बड़ी बहादुरी से, जाओ वो घर आज से तुम्हारा। अरे भाई मेरे को गरीब सोचता है कहीं बंदा, मेरे में बहुत पैसा है चाचा, तुम्हें मैं खड़े खड़े खरीद लूंगा। अभी क्या यार कमाल कर रहा है बंदा, सोच रहा है मेरे पे कुछ है ही नहीं, फिर भी यार जा करके देखता हूँ बंदे ने क्या मेरे को गिफ्ट दिया है। ये तो बिल्कुल है सोच रहा है ट्रेवर को, ट्रेवर के पास कुछ है ही नहीं, ट्रेवर रोड पे चलता हुआ बंदा है। अरे यार ट्रेवर के कपड़े देख के बोल रहा है कि आज कपड़े ट्रेवर ने बहुत ही उल्टे सीधे पहन के रखे हुए। अबे ट्रेवर कल से अच्छी सी शर्ट पहनना, एक काम कर सूट पहना कर परमानेंट, क्योंकि सूट यार कुछ अलग ही लेवल का होता है। काली भी सूट पहन रहा है ना, तो इसलिए काली का कुछ एटीट्यूड ज्यादा ही है। भाई मैं काली के बताए हुए घर पर पहुंच चुका, तो ये है काली का घर, बीच के भाई बिल्कुल सामने ही है ये। वैसे घर तो मेरे को अच्छा लग रहा है बट कुछ काफी छोटा भी है घर, अभी वो तो अंदर जाके मेरे को पता चलेगा। अरे घर में गेट ही नहीं है, न तो इस तरफ है ना सामने की तरफ है। अरे काली भाई गेट लगाना भूल गया क्या? देखो तो ये है भाई हमारा लिविंग रूम, चलो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे टीवी बहुत अच्छा लगा हुआ है, और सामने वाली ये किचन हो गई है, साइड में भाई हमारी यहाँ पे थोड़ी सी बुक्स रखी हुई है, ट्रेवर का भी बुक्स तो पढ़ता ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं इन चीजों का। तो चल मेरे पे ट्रेवर ऊपर चढ़ जा, आराम से चढ़ जा, कैसी सीढ़ी है ट्रेवर, बड़ा टाइम लगा रहा चढ़ने में। तो भाई अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। भाई लो ये रूम खाली पड़ा हुआ है, अरे भाई एक बेड लगा देता, कमाल करता है बंदा, रूम वेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पे मैं नहीं जा सकता। ओके ये वाला रूम कौन सा है भाई, ये रूम है ही नहीं, ये भाई ये गेट है बालकनी में जाने के लिए, कमाल है। बस ऊपर एक ही रूम था, नहीं भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है, इसको चेक करता हूँ मैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए था यार, पूरा घर खाली पड़ा है। अबे कुछ फर्नीचर लगा देता घर में, पैसे लगा देता, काली कंजूस है यार बहुत ही ज्यादा, मैंने देख लिया इस घर को मेरे को गिफ्ट करा है, इसमें तो बेडरूम भी नहीं है यार घर में। यार बेडरूम तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता बिना बेडरूम के घर, बिना बेडरूम के घर कैसे। ओके भाई टॉयलेट तो है घर में बट बेडरूम नहीं है यार घर में बिल्कुल भी, कमाल है सोएगा कहाँ पे ड्राइवर, ऐसे घर में तो हम बिल्कुल ना रुके। बेडरूम ही नहीं है यार, देखो सारे रूम चेक कर लिए, लिविंग रूम है, सोफे में सोना पड़ेगा, एक बेड लगाना ही भूल गया लगता है, ऊपर बेडरूम आएगा। बट भाई इसने सामान ही लिया, फर्नीचर में खुद ही ला करके लगाने पड़ेंगे, ऐसा गिफ्ट दिया है खर्चा मेरा हो जाएगा इसमें आधे से ज्यादा। भाई अभी मेरे पास टेरी का फोन आया, टेरी ने हमारे किंग के छोटे भाई की लोकेशन ट्रेस कर लिया, वो अभी अपनी कार में जा रहा है, तो फटाफट से भाई मैं जाके उसको पकड़ता हूँ। अरे भाई कमाल कर दिया टेरी, तूने कैसे पता कर ली उसकी लोकेशन? तो बंदा डेजर्ट साइड में अपनी कार में जा रहा है, उसको वहीं पे जाकर के पकड़ लेते हैं, और किंग का दी एंड, भाई को मारेंगे, भाई तो बताई देगा, भाई ने ना बताया तो आत्मा तो बताई देगी। भाई मैं जगह पर पहुंचो, किंग का भाई देखो सामने वाली लैम्बोर्गिनी में जा रहा है, बंदे के पास लैम्बोर्गिनी है भाई, सही है भाई लैम्बोर्गिनी, वैसे अब तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, अब तो कोई बंदा ले लेता है, जब हमारा जिमी ले सकता है लैम्बोर्गिनी, दिलवाई तो हम नहीं है बट भाई जिमी के पास है, तो जब जिमी चला सकता है तो माफिया के बंदे तो आराम से चला ही सकते हैं। आजा बेटे कहाँ तक जा रहा है, एक काम करता हूँ भाई इसको मैं फॉलो करता हूँ, क्या पता ये अपने बेस में जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पे बंदों के बहुत ज्यादा बेस होते हैं, डेजर्ट एरिया में आया हुआ है, यहाँ पे क्या पता अपने भाई से मिलने के लिए आया, किंग भी यहीं पर हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको फॉलो करूंगा, मार तो इसको आराम से देंगे ही, पकड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अभी फिलहाल इसको धीरे धीरे फॉलो करते हैं। चल चल मेरे प्यारे भाई, देखते हैं तो कहाँ तक मेरे को लेकर के जाएगा, काश यहाँ पे इसका एक अच्छा सा बेस मिल जाए और वहाँ पे इसका भाई मिल जाए और इन दोनों को यहीं पे मार के किस्से का दी एंड कर दूँ। कहाँ पे जा रहा है भाई, यहाँ पे तो ट्रेवर का पुराना घर है, यहाँ पे आ गया। अरे भाई यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी, अरे भाई यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, भाई पुलिस के एकदम दो दो स्टार हो गए, ये सब कुछ एक प्लान था। अरे भाई साहब कमाल, देखो तो भाग गया अपनी गाड़ी को लेकर के, ये ट्रैप था, पुलिस वाले आपको पता है मेरे को ढूंढ रहे हैं, तो शायद से ये क्या कर दिया। अरे टेरी भाई तूने कैसे पता करा, मेरे को पता चल गया लोकेशन कैसे उसको मिली थी किंग के भाई की, ये सब कुछ प्लान था कि ट्रेवर इसको फॉलो करेगा और मैं पुलिस के पास इसको लेकर के जाऊंगा और पुलिस ट्रेवर को पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस भाई मेरे को ढूंढ रही है क्योंकि मैंने हमारे प्रेजेंट को मार दिया, ये तो यही सोचते हैं। अबे चाचा निकलने यहाँ से, भाई 3-3 स्टार हो चुके पुलिस के, एक काम करता हूँ यहाँ पे रोन रहता है इसलिए भाई मैं यहाँ की पुलिस को मार करके जाऊंगा, आपको बता रोन मेरा दोस्त यहीं पे रहता है। अरे भाई ये चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, मैं खत्म कर दूंगा, रोन घर के अंदर घुस जा, तो इसलिए भाई मैं इन सभी को मार करके जाऊंगा। रोन तो शायद से घर के अंदर छुप के बैठा होगा, उसको एलियन गन असर नहीं करने वाली बट यहाँ के मैं बंदों को सभी को मार दूंगा। ये ले बेटे, अरे भाई सब ट्रेवर की गाड़ी उड़ गई, अरे
ड्राइवर भैया तेरी पुरानी गाड़ी उड़ गई, तेरा नुकसान हो गया, बाद में देख लेंगे उसको। ये ले बेटे मरे ना। ओके भाई, यहाँ के मैंने सभी पुलिस वालों को मार दिया है, अभी फटाफट से यहाँ से मेरे को निकल करके जाना पड़ेगा। रोहन भाई तू घर में ही रहे, बाहर मत निकलना, नहीं तो पुलिस तेरे को अरेस्ट करके ले जाएगी मेरे चक्कर में। तो रोहन भाई यहीं पे होगा, रोहन को कुछ नहीं होने वाला। बट भाई क्या प्लान बनाया बंदे ने, देखो तो सही, टेरी को जानबूझ के अपनी लोकेशन दी, ठीक है। फिर मैं उस बंदे को फॉलो करता करता यहाँ पे आया और यहाँ पे पहले से पुलिस वालों को खड़ा करके रखा था कि ड्राइवर को मैं पकड़वा सकता हूँ, और यहाँ पे आते ही पुलिस ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। 5-5 स्टार हो गए भाई अब तो। पुलिस वालों तुम भाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो, समझा करो, ये सब कुछ प्लान है। किंग और उसका भाई तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं, मैंने प्रेजेंट को नहीं मारा, अभी तो प्रेजेंट के आत्मा को ही बुलाना पड़ेगा मेरे को ऐसा लगता है। अरे यार भाई फाइनली पुलिस जा चुकी है, मैं पहाड़ पे आ गया था, हमारे सामने माउंट शील्ड है, तो यहाँ पे पुलिस कम फॉलो करती है। फिलहाल पुलिस ने मेरे को फॉलो करना बंद कर दिया है, अभी भाई देखते हैं कुछ और प्लानिंग करते हैं कैसे इन दोनों भाइयों को पकड़ा जाए। फिलहाल तो बहुत ज्यादा चालाक बन रहे हैं, मेरे को देखो जाले में फंसा लिया भाई। मैंने निकी लेस्टर और टेरी को सब कुछ फोन करके बोल दिया कि भाइयों कुछ अच्छा सा प्लान बनाओ, अगर तुमसे ना हो पा रहा हो ना तो फिर मेरे को करना पड़ेगा। फिर भाई मैं किंगडम रू की आत्मा को ही बुलाऊंगा और एक बहुत अच्छी सी कॉन्फ्रेंस करूंगा और वहीं पे सभी को दिखा दूंगा कि देखो किंगडम रू की आत्मा खुद बोलेगी कि मैंने नहीं बोला भाई आखिरी, अभी मेरे को यही यूज करना पड़ेगा मेरे को तो ऐसा लगता है। भाई अभी मेरे पास चोर का फोन आ चुका है, बोल रहा है ट्रेन भाई एयरपोर्ट पर आ जाइए, मैं आपके लिए कार लेकर के आ चुका हूँ। भाई कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों हो जाए, ये अपना काम करना नहीं भूलता, ये गाड़ी जरूर लेकर के आता है, तो भाई देखते हैं आज कौन सी कार लेकर के आया। ओके भाई मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ और चोर आज देखो भाई फिर से मेरे लिए ऑफ रोड कार लेकर के आया, अरीना वाली और 6-6 टायर वाली है यार। अभी देखते हैं ये क्या क्या कर सकती है, इस कार के फीचर्स तो मैं सारे देखूंगा। तो एक काम करते हैं सामने वाले पहाड़ पे जल्दी से पहुंचते हैं, इसकी टॉप स्पीड भाई 140 तक तो पहुंच चुके थे, इसका मतलब 145 या 50 तक जा सकती है। भाई अपनी कार इस तरफ लेकर के आ चुका हूं, मैंने ज्यादातर जितनी भी ऑफ रोड कार चेक करी है इसी वाले पहाड़ पर चेक करी है। देखो भाई अभी सामने वाला फ्लैट सरफेस पे देखते हैं चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। चल मेरी प्यारी कार चढ़ जा, तू तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्लिप कर रही है। अरे भाई इसका तो बैलेंस ही खराब हो गया। अरे आराम से बस, ये भाई बहुत ज्यादा कमजोर कार मेरे को लग रही है, ऊपर से इसका वेट बहुत ज्यादा है यार, और 6-6 टायर पता नहीं गाड़ी में क्यों लगा के रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर इसमें 2 टायर्स भी होते ना तब भी काम चल जाता। बस, कितना खतरनाक बैलेंस खराब हुआ है कार का, देखो तो सही, अभी भी बैलेंस इसका ठीक से बन नहीं पाया। लो भाई इसने तो पूरा नीचे जमीन पे ला करके छोड़ दिया, क्या घटिया कार है यार। पहले तो मेरे को लगा बहुत अच्छी कार है, बट अभी इसका बैलेंस तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, इसने तो अभी से ही दम तोड़ दिया। एक और ट्राई कर लेते हैं, चल मेरी कार चढ़ जा। भाई स्लिप कर रही है, गाड़ी में दम ही नहीं है, देखो पीछे का टायर बिल्कुल स्लिप कर रहे हैं, धूल उठा के रख दी। नहीं, गाड़ी में दम नहीं है भाई, ये कहीं पे भी जाने के लिए लायक नहीं है। देखो गाड़ी स्लिप कर रही है, इसका दम खत्म हो चुका है, ये इस वाले सरफेस पे भी नहीं चढ़ रही। बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के सबसे आप लोगों तरफ ये वीडियो कैसे लगी भाई, अगर आप शेयर भी नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर सब्सक्राइब कॉल पर साइड कर दो। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से आकर के वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो के लाइक्स का एम है 20,000, जल्दी से आकर इसको पूरा करा दो। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।